बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके फेस पर खड्डे, घड़े जो कि एक्नी के बाद बन जाते हैं, उनको हम आमतौर पर स्कार्स बोलते हैं, उनको ट्रीट करने का सलूशन बताएँगे। और इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर कट्स हों या आपके फेस पर रगड़ों के निशान हों, तो तमाम कट्स और रगड़ों के निशानों को भी आज हम ख़त्म करने का आपको आसान सा सलूशन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए? फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। फ्रेंड्स, आप होममेड एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिएगा, या फ्रेंड्स आप मार्केट से एप्पल साइडर विनेगर आपको ईजिली मिल जाएगा, आप वो ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वो नहीं लेना चाहते, घर में एप्पल साइडर विनेगर बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो देखना होगी जिसके अंदर मैंने इस होममेड एप्पल साइडर विनेगर को बनाना बताया है, बल्कि मैंने खुद आपको बना के दिखाया है। सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं और आपका बिल्कुल नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर रेडी हो जाता है। तो मैंने ये इसीलिए बनाया था ताकि आप लोग कुछ खा दूँ, और इससे जितनी भी रेमडीज़ मुझे मालूम है, मेरी नॉलेज में है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैं जितनी भी वीडियोज़ बना रही हूँ अपने होममेड एप्पल साइडर विनेगर की मदद से ही बना रही हूँ। अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको इसके लिए और चाहिए प्लेन वाटर, जो हम नॉर्मली तौर पर घरों में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर एक्ने के निशान हैं, खड्डे हैं, घड़े हैं, या कट्स वगैरह के निशान हैं, या रगड़े वगैरह हैं, उनको किस तरीके से क्लियर करना है, फ्रेंड्स उसके लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर और प्लेन वाटर को इक्वल क्वांटिटी में आपको मिक्स करना होगा, और इसका आपने अपने फेस पर मसाज करना है। इसको लगाकर आपने अपने फेस पर डेली बेसिस पर आप इसका मसाज करेंगे, इसको लगाकर फिर छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आपके फेस की तमाम खड्डों को ये क्लियर करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एप्पल साइडर विनेगर है ये हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। जब ये आपके खड्डों की हीलिंग करेगा तो आपकी जो स्किन है वो प्लेन स्किन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज़ का कुछ टाइम होता है, जो नेचुरल रेमडीज़ होती हैं ये काफ़ी टाइम ले लेती हैं, तो आपने बिल्कुल भी इस मेथड को छोड़ना नहीं है, बल्कि आप इसको पेशेंस से काम लेते हुए इसको आप फॉलो करते रहिएगा, इसको डेली बेसिस पर आप यूज़ करते रहिएगा। पहले तो ये नीचे से बेस बनाएगा, नीचे से हीलिंग करते हुए ये ऊपर तक आएगा। शुरू में शायद आपको फील ना हो गया कि हमारे जो खड्डे हैं उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी फीलिंग हो रही है, बल्कि अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो स्किन है वो प्लेन स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। और कितना टाइम लगेगा ये आपके जो स्कार्स हैं उन पर डिपेंड करता है, वो कितने गहरे हैं। अगर तो वो ऊपर वाली सतह पे ही हैं, आपके ऊपर वाली लेयर में है, तो वो इजीली जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और अगर वो ज़्यादा गहरे हैं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको आपने पानी में ही सोशन बनाकर इसको लगाना है, अकेला एप्पल साइडर विनेगर आपने नहीं लगाना। जो मेथड आपको बताया जा रहा है इसी को आप फॉलो कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये हमारी एक्नी को भी ट्रीट करेगा, अगर आपके फेस पर एक्नी भी आ रही है तो ये उसको ट्रीट करेगा, क्योंकि ये आपकी जो एक्नी के जर्म्स होते हैं उनको ये किल कर देता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है और एंटीबैक्टीरियल है। जर्म्स को जब ये किल करेगा तो आपकी फेस पर एक्नी को दोबारा बनने से ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। और फ्रेंड्स, अगर आपके मसल्स में पेन है या आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन रहता है तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कमर दर्द है या मसल्स में पेन है तो वहाँ पर आपने इस सॉल्यूशन को लगाना है, सॉरी, आप अकेले एप्पल साइडर विनेगर को आपने लगाना है, और वहाँ पर लगाकर आपने मसाज करना है। सिर्फ आप इस एप्पल साइडर विनेगर को वहाँ पर लगाकर मसाज कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप उसका डेली मसाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगी, और आप खुद कहेंगे कि वाकई इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ना सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर स्किन के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हेयर्स के लिए, हमारी बॉडी के जितने भी पेन्स वगैरह हैं उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर से वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी से रेमडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।